नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये एक कैपिलरी है, ये जो स्टनर है, स्टनर के स्प्रन से मैंने इसे लगाकर इसे बाईपास किया और ये पूरा स्टनर के स्प्रन देखिए जो मेन कैपिलरी है, कैपिलरी इवेपरेटर में गया है और नीचे सक्शन लाइन है और पीछे डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से होकर कंडेंसर बूस्टर होकर जब इस तरीके से इसका एयर आएगा तो ये बाईपास हो जाएगा। और मीटर देखिए, मीटर के नीचे बिल्कुल वो जीरो के नीचे है, तो इसका मतलब है कंप्रेशर चल रहा है और इसका जो एयर है इस तरफ से वो निकल रहा है और ये सेल्फ व्यूकम हो रहा है। तो दोस्तों, आप जो फ्रिज है, फ्रिज के कंप्रेशर से उसी फ्रिज को कैसे आप सेल्फ व्यूकम कर सकते हैं, इस मदद से आप उसकी व्यूकम कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार एक्स्ट्रा कंप्रेशर व्यूकम पंप नहीं है तो आपको ये इस तरीके से आपको ये पद्धति जो है आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मैंने अभी इसे सेल्फ व्यूकम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं गैस सर्च करूँगा। जब भी आपके 30 मिनट 30 मिनट या व्यूकम हो जाएगा तो ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी को आपको वेल्डिंग करके सील कर देना है, उसके बाद आप इसमें गैस डाल सकते हैं। तो सर देखिए, ये सक्शन लाइन है और इसमें भी ये ठंड आएगा गैस सर्च करने के बाद, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये जो फ्रिज है, फ्रिज का जो कंप्रेशर है, इसी कंप्रेशर से इसी फ्रिज को कैसे सेल्फ व्यूकम किया जाता है आपको अभी पता लग गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई कंप्रेशर ना हो और आपको फ्रिज में गैस डालना है तो आप इस तरीके से व्यूकम करके गैस डाल सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा, आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वो भी इस बारे में जानें। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी इसमें गैस रिफ़िल किया। रिफ़िल करने के बाद इसका जो मीटर है, मीटर की जो सुई है वो बिल्कुल जीरो के लगभग ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन देखिए स्वेटिंग होता है, इसमें भीग गया है और इसका जो बूंद बूंद पानी है, बूंद बूंद पानी मेरे उंगली में है। तो इसका जो गैस चार्ज है, गैस चार्ज परफेक्ट हो चुका है और ये सक्शन लाइन है, ये चार्जिंग लाइन है और ये कंप्रेशर भी बढ़िया तरीके से वर्क में है और इसका जो स्टनर भी बिल्कुल सही है। डिस्चार्ज लाइन की जो हीटिंग है बिल्कुल सही है। और देखिए, फ्रिज के अंदर जाके देखते हैं तो इसका जो जो फ्रीजर का धुआं है बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल रहा है और ये जो फ्रिज है बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंड हो रहा है। तो सिर्फ मैंने इसे सेल्फ व्यूकम किया है। अगर आपके पास कोई भी कंप्रेशर नहीं है या फिर व्यूकम कंप्रेशर नहीं है तो आप इस तरीके से सेल्फ व्यूकम की मदद से आप उस फ्रिज को व्यूकम करके गैस रिफिल कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका एक तरीका होता है। अगर आपके जो एक्स्ट्रा जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है तो आप बिना कंप्रेशर को आप कैसे सेल्फ व्यूकम करके उससे गैस रिफिल कर सकते हैं, ये आसान एक तरीका है। तो दोस्तों, आज के बाद उम्मीद है कि अगर आपके जो रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर को काम ऐसे आते हैं तो उम्मीद है कि आप बिना किसी कंप्रेशर, विदाउट कंप्रेशर के मदद से भेकम कर पाओगे और उसमें गैस चार्ज कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों के पास कैसे लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस भाई इसके बारे में जान सके और बढ़िया से कम कर सके। तो दोस्तों, एक बात मैं और बताऊँगा, अगर आपके पास कंप्रेशर है तो आप उसे इस्तेमाल करिए, वो 100% रहेगा, इससे 80 से लेकर 90% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।